हेलो गाइज, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्रेडिंग. गाइज, कल की वीडियो में हमने बात की थी साइक्लिक लाइंस इंडिकेटर के बारे में. ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे शोर शॉट निकाल सकते हैं, कैसे हम इनके शोर शॉट पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों हमने कवर किया था. एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर के बारे में. ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं और इनकी हिस्ट्री क्या होती है, कैसे हम इन पर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करने वाले हैं. तो गाइज, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहती हूँ, अगर आप सभी ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अभी लिंक पर जाइए और वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ आप सभी को डेली कुछ ना कुछ फ्री शोर शॉर्ट्स सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनको ज्वाइन करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एंड गाइज, वहाँ से आप हमारे VIP ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप सभी ने अभी तक क्यूटैक्स पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लिंक पर जाइए, क्यूटैक्स पर अकाउंट क्रिएट कीजिए. एंड गाइज, वहाँ से आप हमारे VIP ग्रुप को ज्वाइन करके सेशन को फॉलो करके अपना प्रॉफिट गेन कीजिए, लॉस कवर अप कीजिए. ओके, तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होते हैं आइए जानते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जिसमें इस वक्त भी $10,500 का लाइव बैलेंस है मेरे क्यूटैक्स के लाइव अकाउंट में. एंड गाइज, मैं आज आप सभी को अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर के बारे में. ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इन पर ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करने वाले हैं. तो गाइज, फर्स्टली हम अपने इंडिकेटर को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं. ओके, तो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर ये रहा. ओके, हम इनको अप्लाई कर लेते हैं एंड कलर जो हमें हमारे अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल लगता है वो हम अप्लाई कर लेंगे. कलर मुझे लगता है कि जो हमारा कलर रहेगा वो ब्लू ज़्यादा हाईलाइट होगा. ओके, ब्लू कलर ले लेते हैं एंड इसका हमें प्रॉपर पैरामीटर हमें एक ग्राफ पर सेट कर लेना है. फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारे अपर पीक पॉइंट एंड डाउन पीक पॉइंट को प्रॉपर कवर अप करता है. ओके, तो हम इसको अप्लाई करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है. ज़्यादा से ज़्यादा आप जिनको अप्लाई कर सकते हैं वो है कि आप इनके डाउन पीक या फिर अपर पीक को आप जितना हो सके आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा पीक पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश कीजिए. ओके, तो मैं आप सभी को यहाँ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ. कुछ इस तरह से हमने अपने पीक पॉइंट ही अप्लाई कर लिए हैं. ओके, तो आपको ये क्लियर अगर हो रहा हो तो हमने यहाँ पर कितने पीक पॉइंट कवर किए हैं. ये हमारा एक पीक पॉइंट कवर हो रहा है, ये पीक पॉइंट कवर हो रहा है, ये पीक पॉइंट हमारा कवर हो रहा है, ये पीक पॉइंट कवर हो रहा है. ओके, देन हमारे डाउन के पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट कवर हो रहा है, ये वाला कवर हो रहा है. ओके, ये कवर हो रहा है. जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं आप पीक पॉइंट को कवर करते हुए आप इनको अप्लाई कीजिए. ओके, ये हमारा डाउन पीक पॉइंट हमारे हमें अप्लाई हो रहा है. देन अगर मैं इसको और ज़्यादा क्लियर आइडेंटिफाई करूँ तो गाइज, इसमें मेरा फेवरेट इंडिकेटर है ZigZag, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट इंडिकेटर है. इसको अप्लाई करूँगी तो आप सभी को और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, अब आपको ये पीक पॉइंट सारे क्लियरली नज़र आ रहे होंगे. ओके, सारे के सारे पीक पॉइंट नज़र आ रहे होंगे. जहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया है वहाँ पर ये प्रॉपर एक पैरामीटर में ब्रेकआउट करते हुए प्रॉपर या तो अपर की ओर, अगर इसे इसका जो पहले का पैरामीटर है वो उसे इंडिकेट कर रहा है कि डाउन की ओर जाना चाहिए. अगर उसने वहाँ पर ब्रेकआउट किया है तो वो उसके अपोजिट डाउनवर्ड की ओर गया है. अगर इसका हमें इंडिकेटर हमें अप्लाई करता है, अप्लाई करने पे ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें डाउनवर्ड की ओर जाना चाहिए. अगर वहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो मतलब ये वहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद हमारा मार्केट अपआउट की ओर गया है, ऑब्वियसली. ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ तो यहाँ पर इसने ये ब्रेकआउट किया है. ठीक है, यहाँ पर ये पीक पॉइंट टच करते हुए ब्रेकआउट करने के बाद मोड़ लिया, अगेन यहाँ से हाईली अपआउट की ओर मार्केट गया. देन अभी हम इसको जूम आउट करके देखें तो हमें इस फिलहाल साइडवेज मार्केट यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, तो गाइस सिंपली हमें इसके प्रॉपर पैरामीटर को हमें देख लीजिए. यहाँ पर हम जैसे ही इसने अपर के पीक पॉइंट को टच किया अगेन मार्केट डाउनवर्ड की ओर गया. ओके, अगेन इसने अपआउट की ओर फ्लो लिया, अगेन फ्लो लेते हुए डाउनवर्ड की ओर बिना कोई ग्रीन कैंडल बनाए, बिना कोई ग्रीन कैंडल बनाए ये मार्केट डाउन की ओर गया. ओके, देन थोड़ा सा मार्केट अपआउट की ओर गया, देन अगेन यहाँ से अगर प्रॉपर पैरामीटर ले लेते हैं तो
उसने डाउनवर्ड की ओर मार्केट लिया। ओके ये पीक पॉइंट, ये देन ये हमें टच सारी चीज टच कर रहा है। ओके हमने कब टच करते हुए सारे पीक पॉइंट्स मिला लिए हैं। तो गाइस जैसे ही हमारा पैरामीटर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करते हुए बिना किसी अदर कैंडल के डायरेक्शन की ओर, डाउन डायरेक्शन में फ्लो ले रहा है। ओके यहाँ टच किया पीक पॉइंट, अगेन यहाँ से डाउन की ओर गया, अगेन पीक पॉइंट टच किया, अगेन डाउन की ओर गया, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट किया, देन बिना किसी फ्लो के डाउन की ओर गया। ओके यहाँ से अगेन यहाँ पर उसने अपआउट की ओर उछाल मारी, देन यहाँ से थोड़ा सा डाउन जाके अगेन अपआउट की ओर गया। ओके अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको लग रहा होगा साइडवेज मार्केट चल रहा है। साइडवेज मार्केट चलते हुए ये हमें मार्केट, अगर हमारे इस पैरामीटर को टच करके ये मार्केट वापस जाने वाला है तो मतलब डाउनवर्ड की ओर जाएगा। अगर हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है या फिर ये मार्केट हमें इंडिकेट करता है कि हमारा ये प्रॉपर पैरामीटर को टच करते हुए यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मतलब यहाँ से हाईली ऊपर जाएगा। अभी लगभग 5 मिनट्स तक मार्केट अबॉट की ओर जाएगा। ओके फिलहाल हमें नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर इंडिकेट करेगी कि हमें ये मार्केट हमें किस डायरेक्शन की ओर लेकर के जाएगा। ओके तो फिलहाल हमारे पास 40 सेकंड्स का टाइम है नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने के लिए। तो गाइस आपको ये प्रॉपर पैरामीटर आपको टच करते हुए सारे पीक पॉइंट्स क्लियरली शो हो रहे होंगे, ये पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट, ये पीक पॉइंट। ओके देन डाउन के पीक पॉइंट आप सभी को क्लियरली टच हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। ओके तो गाइस हम अपना जो पैरामीटर हट जाता है, कोई नहीं। तो आप सभी को अगर दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल प्रेस करने वाली हूँ। ओके तो मार्केट हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मार्केट ये ब्रेकआउट ना करते हो बल्कि डाउन डायरेक्शन की ओर इस पैरामीटर में वापस आने वाला है। ओके तो फिलहाल हमें 30 सेकंड्स का टाइम है, हम 30 सेकंड्स के बाद अपनी ट्रेड प्रेस करेंगे। देन 25 सेकंड्स हमें थोड़ा सा वेट करना है। ओके गाइज अभी फिलहाल हमारा ये मार्केट जो है, जो कि नाइट का टाइम है जिस वक्त ये वीडियो बन रही है, तो अभी फिलहाल साइडवेज मार्केट चल रहा है और छोटी छोटी कैंडल्स शेडो वाली बन रही हैं। मार्केट इतना कुछ खास नहीं है। देन गाइज मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ। 3 2 1 देन मुझे लगता है कि मेरा जो मार्केट है, मैं यहाँ पे दो ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन की ओर प्रेस कर दी है $50 की। ओके मुझे इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, हम वेट करेंगे। 48 सेकंड्स का टाइम है, मैंने कहा था ये प्रॉपर पैरामीटर को टच करते हुए ये मार्केट डाउन डायरेक्शन की ओर अगर फ्लो लेगा तो हमारा मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा। ओके तो फिलहाल तो अभी मार्केट हमारा डाउन की ओर ही चल रहा है। देन 30 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास, वेट करते हैं कि हमें इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज हम वेट करते हैं। 29 सेकंड्स है हमारे पास। एंड गाइज मैं एक बात आप सभी को जो हमेशा बताती हूँ कि कभी भी ट्रेड करते समय अपने फुल अमाउंट का यूज़ नहीं करना है, हमेशा 10% अमाउंट का यूज़ करना है। आपके अकाउंट में अगर 100 रुपीज़ डिपॉजिट हैं तो आप केवल 10 रुपये से ही, 10 रुपीज़ से ही ट्रेड करें, ओनली 10% अमाउंट ही यूज़ करें। डेफिनेटली सारा अमाउंट ट्रेड करने से आप लॉस खा जाते हैं, आप सब जानते हैं। ओके तो मनी मैनेजमेंट को लेकर के आप हमेशा चलिए, हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। फिलहाल ये दोनों ट्रेड हमें प्रॉफिट हो चुकी है। ओके अगेन मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा लेती हूँ। $100 की ट्रेड मैं प्रेस करने वाली हूँ एंड 40 सेकंड्स का टाइम है। अगर मैं प्रॉपर पैरामीटर को देखूँ तो हमारा प्रॉपर पैरामीटर डाउन की ओर इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इस पैरामीटर को टच करते हुए ये प्रॉपर पैरामीटर हमारा डाउनवर्ड की ओर आने वाला है। ओके तो फिलहाल हम वेट करेंगे कि हमें इस कैंडल का रिजल्ट। 25 सेकंड्स हमारे पास ट्रेड प्रेस करने के लिए। ओके देन ये हमारा टच करते हुए मार्केट वापस की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। ओके 3 2 1 एंड गाइस मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेस करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 4 ट्रेड मैंने प्रेस कर दी हैं डाउनवर्ड की ओर, मार्केट फिलहाल अपॉर्ट की ओर गया है, लेकिन देखते हैं हमें इस ट्रेड का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। 48 सेकंड्स का टाइम है ना, फिलहाल हमारा फ्लो कह रहा है कि मार्केट डाउनवर्ड की ओर जाना चाहिए, लेकिन हम वेट करते हैं। 40 सेकंड्स का हमारे पास टाइम है, वेट करेंगे कि हमें इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। क्लोज पॉइंट पर है इस वक्त अभी 22 21 हमारे पास 28 सेकंड्स का टाइम है और हमारी ट्रेड जो प्रेस हुई है वो फिलहाल हमारी अभी प्रॉफिट जा रही है। ओके
वेट करेंगे कि हमें इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। 80 सेकेंड्स है हमारे पास, हमारे 400 डॉलर इन्वेस्टेड हैं, ओके। एंड मैंने जो कहा था गाइस, इस पीक पॉइंट को टच करते हुए हमारा मार्केट डाउन फ्लो लेगा, मार्केट अभी हमारा डाउन फ्लो ले रहा है, ओके। हमारे 400 डॉलर हमारे इन प्रॉफिट हो चुके हैं। अगेन मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना बढ़ाऊँगी थोड़ा सा, 500 डॉलर करूँगी। तो गाइज मैं यहाँ पर मैंने अगेन 2000 डॉलर मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं डाउन की ओर, क्योंकि मुझे लग रहा है प्रॉपर मार्केट अभी हमारा डाउनवर्ड जाएगा, ओके। इतना श्योर शॉट हमारा इंडिकेटर है ये कि हमें लग रहा है कि हमारा डाउनवर्ड की ओर मार्केट अभी जाएगा, ओके। फिलहाल अभी क्लोज पॉइंट पर है, 30 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास। इस बार फिलहाल अभी मार्केट हमारा अपवर्ड की ओर फ्लो ले रहा है। 25 सेकंड्स है हमारे पास, 23 सेकंड्स हैं, वेट करना है कि हमें इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, ओके। बहुत ही क्लोज पॉइंट पर है। 15 सेकंड्स है हमारे पास, बहुत ज़्यादा क्लोज पॉइंट पर है गाइस फिलहाल। द गाइस में हमारी दो ट्रेड विन हुई हैं, दो लॉस हुई हैं, ओके। 2000 हमने इन्वेस्ट किए थे, मतलब हमारा भी एवरेज रहा है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ओके। तो फिलहाल अब यहाँ पर चूँकि हमें यहाँ पर दो जी दिख रही है और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट अभी डाउन फ्लो की ओर ही जाएगा, तो गाइज अगेन मैं डाउन की ओर प्रेस करने वाली हूँ, लेकिन 30 सेकेंड्स का वेट करने के बाद, ओके। वेट करेंगे, मैंने कहा था इस प्रॉपर पैरामीटर को टच किया है तो ये हमारा डाउनवर्ड की ओर मार्केट यहाँ से वापस जाएगा, और ये हमारा अच्छा खासा डाउनवर्ड की ओर मार्केट वापस आ रहा है, ओके। तो गाइज ये श्योरिटी तो आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर कितना हमारे लिए कम्फर्टेबल है, ओके, कितना यूज़फुल है, ओके। अगेन मैं आप सभी को ट्रेड करके दिखाने वाली हूँ इस इंडिकेटर को अप्लाई करते हुए, प्रॉपर पैरामीटर को टच करते हुए, ओके। मैं यहाँ पर अगेन ट्रेड, माय गॉड, ब्रेकआउट, कितना तगड़ा ब्रेकआउट किया है यहाँ पर मैंने डाउन की ओर ट्रेड लगा दी है, ओके। तो ट्रेड प्रेस की है, मुझे इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलता है मैंने वेट करेंगे। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट आप सब देख रहे हैं। एंड गाइज 40 सेकंड्स का हमारे पास टाइम है, हमने 1000 डॉलर इन्वेस्ट किए हुए हैं, ओके। 35 सेकंड्स है हमारे पास, वेट करना है कि हमें इस कैंडल का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। 31 सेकंड्स हैं, 29 सेकंड्स हैं, ओके। फिलहाल हमारी अभी ये सुपर विन होके आ रही है ट्रेड, ओके। यहीं से 20 सेकंड्स का टाइम है हमारे पास, इस पैरामीटर को टच करेगी कैंडल, देन यहाँ से वापस जाते हुए क्या फ्लक्चुएट लिया, देखो क्या पैरामीटर को टच किया है, मैंने कहा था इस पैरामीटर टच करेगा। तो गाइस आप सभी ने देखा किस तरह से हमने फ्यूनेसी रिट्रेसमेंट इंडिकेटर को समझा, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से हम इनके ब्रेकआउट को समझ सकते हैं, किस तरह से हम इनके मार्केट के फ्लो को समझ सकते हैं, सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया था, लाइव ट्रेड करके भी दिखाया था। वो सभी को ये फ्यूनेसी रिट्रेसमेंट इंडिकेटर अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड गाइस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, और मोस्ट ऑफ थिंग अपना एक वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वैल्यूएबल कमेंट हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अच्छा वर्क करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।